एंड वेलकम यू ऑल टू इक्विक डिजिटल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दुर्गेश कुमार और मैं हूं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो आज जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जो इंटरव्यू सीरीज हम रन कर रहे हैं उसी पे एक टॉपिक है, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ईमेल सब्जेक्ट लाइन। लास्ट जो वीडियो हमने बनाया था और आप लोगों को ये बताया था कि कैसे हम एबी टेस्टिंग करते हैं, और उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी अबाउट सब्जेक्ट लाइन। लेकिन आज एक अलग टॉपिक है ये, और ये इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो आप सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, और उसी के लिए आज का वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो लाइन है या जो सबसे पहला टॉपिक है उसमें इंक्लूड अ नंबर इन योर सब्जेक्ट लाइन, आपको अपने सब्जेक्ट लाइन में नंबर को ऐड करना है। सेकंड, इंक्लूडिंग एन इमोजी इन योर सब्जेक्ट लाइन। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सारे का जमाना है, व्हाट्सएप पे भी हम लोग इमोजी भेजते हैं एक दूसरे को, तो हम लोग अपने सब्जेक्ट लाइन में इमोजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका जो सब्जेक्ट लाइन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा दिखने में भी लगता है। तीसरा है पर्सनलाइजिंग सब्जेक्ट लाइन फॉर बेटर ओपन रेट। पर्सनलाइजिंग, आप पर्सनलाइज कर सकते हो अपने सब्जेक्ट लाइन को, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप सिर्फ किसी के नाम लेकर आप अगर सब्जेक्ट लाइन लिखते हो कि हेलो मिस्टर दुर्गेश, तो लोगों को लगता है कि हाँ ये बंदा मुझे जानता है, कोई स्पैमिंग नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपका ओपन रेट आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आएंगे और ओपन रेट और ज़्यादा बढ़ते जाता है। चौथा पॉइंट है ऑप्टिंग फॉर टाइटल केस सब्जेक्ट लाइन। ऑप्टिंग फॉर टाइटल केस सब्जेक्ट लाइन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद है वॉचिंग द लेंथ ऑफ योर सब्जेक्ट लाइन। जो लेंथ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सब्जेक्ट लाइन है उसका लेंथ कितना है। आप कोशिश करें कि शॉर्ट सब्जेक्ट लाइन लिखें ताकि लोग जब आपका मेल लैंड करे तो वहां पे सब्जेक्ट लाइन आपको क्लियर दिखाई दे कि ये मेल किस लिए है। डेवलपिंग अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, जैसे ऑफर एंडिंग सून, जैसे 10% डिस्काउंट ऑफर एंडिंग सून, इस तरह के जो सब्जेक्ट लाइन होते हैं वो लोगों को ज़्यादा कैची और ज़्यादा अर्जेंसी लगता है कि नहीं आज मैं नहीं करूँगा तो ये ऑफर चला जाएगा, तो इसलिए वो ओपन करते हैं। इससे क्या होता है, ओपन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और लास्ट है अवॉइडिंग ग्रामेटिकली मिस्टेक। अगर आप कोई सब्जेक्ट लाइन में ग्रामेटिकली मिस्टेक करते हैं तो वो लोग स्पैम की तरह काउंट करते हैं, उनको लगता है कि अगर ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है तो ये ईमेल के अंदर भी ये झूठ मूठ का ये स्पैम ही कर रहा होगा मुझे, इसलिए वो ओपन नहीं करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो एक ईमेल सब्जेक्ट लाइन में होने चाहिए, और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको भी इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूज़ में लोग पूछते हैं तो आपको इस तरह का आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको जवाब देना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।